भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव लगातार बना हुआ है। मई में शुरू हुए तनाव का अक्टूबर में भी कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन अब चीन की ताजा हरकतों से तो लगता है कि वो 1962 युद्ध की तरह नई प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अब उसने वो मांग रखी है जो ड्रैगन की फितरत पर बड़ा शक पैदा करती है। चीन ने कहा है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए भारत सबसे पहले अपनी बख्तरबंद यूनिट्स और तोपों को पीछे ले जाए, जबकि खुद बाद में पीछे हटाएगा। लेकिन भारत ने चीन की ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। हर दिन सामने आ रहे चीन के नए पैंतरे, भारत ने अब अपनाई नई सैन्य रणनीति। दोस्तों, लद्दाख में विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तर की बातचीत जारी है, लेकिन फितरत को देखते हुए सेना ने रोटेशन पर जवानों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लंबे समय तक LAC पर मौजूद रहने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल कठिन और दुर्गम इलाकों में जवानों की तैनाती में रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके पीछे मकसद ये होता है कि लंबे समय तक जवानों को ऐसे ऊंचाई वाले दुर्गम स्थानों पर तैनात नहीं रखा जाए, वहीं दूसरे सैनिक को वहां भेजकर उनकी युद्ध क्षमता को मजबूती प्रदान करना है। इसलिए उन्हें 2-3 महीनों के भीतर वहां से हटा दिया जाता है और दूसरे सैनिकों को वहां भेजा जाता है। ये प्रक्रिया पूर्वी लद्दाख में आरंभ कर दी गई थी, क्योंकि वहां सैनिक 4-6 महीने से तैनात हैं। जो सैनिक वहां पहले से तैनात थे, उन्हें मैदानी इलाकों में भेजा जा रहा है। अब नहीं बढ़ाई जा रही जवानों की तादाद। सैन्य सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बॉर्डर पर सैनिकों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ युद्ध से पहले वाली शांति बनी हुई है, लेकिन इस स्थिति में सिर्फ जवानों को बदला जा रहा है। इस प्रकार के कदम चीन ने भी उठाए हैं, इसके बाद भारत ने उठाए। इससे ये मतलब साफ हो जाता है कि चीन के साथ मामला लंबा चलने वाला है। फिलहाल दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक LAC पर तैनात हैं। दोनों देशों में सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। भारत क्यों नहीं मान रहा चीन की डिमांड? दोस्तों, चीन चाहता है कि भारत पहले पीछे हट जाए, क्योंकि भारत फिलहाल कई महत्वपूर्ण चोटियों पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर चीनी फौज लद्दाख की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लिहाजा वो पीछे हटने पर तो एग्री हो गया है, लेकिन पहले भारत से चाहता है। लेकिन चीन की ये डिमांड नहीं मानने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि स्थिति बिगड़ती है तो चीन के लिए अपनी बख्तरबंद इकाई और तोपों को फिर से सीमा पर लाना आसान है, लेकिन भारत को अपने जवानों तक इन चीजों को पहुंचाने में वक्त लग जाता है, क्योंकि इधर का रूट उतना सुगम नहीं है। हालांकि अभी बातचीत का दौर जारी है, राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत हो रही है। राजनयिक स्तर की आखिरी मीटिंग 30 सितंबर और सैन्य स्तर की आखिरी मीटिंग 12 अक्टूबर को हुई है। अगली सैन्य मीटिंग अब जल्द हो सकती है। भारत ने तेजी से बढ़ाई मिसाइल पावर। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए विवाद के बाद भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। चीन ने सीमा पर जैसे ही फौज बढ़ाई, वैसे भारतीय वैज्ञानिक धड़ाधड़ मिसाइल और ताकतवर हथियारों के परीक्षण में लगे हैं। इसी कड़ी में भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाक का सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण किया है। ये मिसाइल दिन और रात दोनों समय दुश्मन टैंकों से भिड़ने में सक्षम है। इससे पहले भारत ने Sukhoi-30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल Rudram-1 का सफल परीक्षण किया था। DRDO की तरफ से पिछले करीब 2 महीनों के अंदर ये 13वां मिसाइल परीक्षण था। सीमा पर पाकिस्तान और चीन की हरकतों के मद्देनजर DRDO मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए तेजी के साथ सामरिक परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को विकसित करने में जुटा है।